देखिए, कल मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस और महाराष्ट्र युवक कांग्रेस एक साथ इंडियन यूथ कांग्रेस, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीवी श्रीनिवास जी, उनके साथ हम सड़कों पर उतरने वाले हैं और विधानसभा घेराव करने वाले हैं। जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके विरोध, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, जैसे बढ़ती बेरोजगारी महाराष्ट्र में, किसानों के जो मुद्दे हैं, और बीएमसी में खास तौर पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और जो जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस पूरे महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई में और पुणे में और कई जगहों पे उन्होंने पोस्टपोन करके रखे हैं, इसीलिए हमारा आंदोलन है। पूरे महाराष्ट्र से और मुंबई से हजारों की तादाद में युवा उपस्थित होने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो हमारे लीडर्स हैं, बालासाहेब थोराट जी, अशोक चव्हाण जी, नाना पटोले जी, विश्वजीत कदम जी, सुनील केदार जी, जो अनेक हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, वो सब उपस्थित होने वाले हैं। सुबह 11 बजे हम सब मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में, जो आजाद मैदान के बाजू में है, उधर हम सब इकट्ठा होकर हम सब चलने वाले विधानसभा की तरफ, और हजारों की भीड़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास जी भी उपस्थित होंगे, और मुंबई प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश सात मर युवाओं के साथ ये मोर्चा करने जा रहा है कल। जैसे मैंने कहा, हमारी अलग अलग मांगे हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाए महाराष्ट्र में, और बेरोजगारी के विरोध हमारा मोर्चा है। फार्मर रिलेटेड बहुत इश्यूज है, शेतकरी किसानों के ऊपर जो पंचनामा नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों में, और जब वो बीज की खरीदी करने जा रहे हैं तो उनको अपनी जाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो अलग अलग मुद्दे हैं जिसके वजह से युवा आज महाराष्ट्र का बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसके वजह से, इसीलिए हम मुंबई के युवा, महाराष्ट्र के युवा एक साथ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। जी देखिए, मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मुंबई में जो बीएमसी में करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने हाउस में भी कई बार इसके बारे में बात की है, और इसीलिए हम सड़कों पर भी आ रहे हैं, और इसीलिए बीएमसी के चुनाव भी नहीं हो रहे। बीएमसी के चुनाव बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं, मुंबई में नहीं, पुणे में, थाने में, अलग अलग जगह कॉरपोरेशन इलेक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार क्यों डर रही है, ये हमारी मांग है कि जल्द से जल्द बीएमसी के चुनाव मुंबई में शुरू हुए। जी एमपीसीसी का सहयोग, देखो ये युवा कांग्रेस का मोर्चा है, मगर एमपीसीसी और एमआरसीसी के लीडर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं। लीडर्स के नेतृत्व में ये युवा लोग हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, और हजारों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र और मुंबई से हमारे युवा दोस्त उपस्थित होंगे। जी आज एक ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से कि सावरकर नहीं है, नाम राहुल गांधी है, उसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। देखिए, राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जिसमें देश को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी सरकार हमेशा ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उनको दिख रहा है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी वो इतनी सक्सेसफुल रही है, उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए ये ध्यान भटकाने के लिए अपने यंत्राओं का यूज कर रहे हैं। हम उनसे डरने वाले नहीं, और राहुल गांधी जी तो किसी से भी नहीं डरते। थैंक यू।